वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बेसिकली मैं दिल्ली से अपने घर होम टाउन आई हूँ। सो जैसे कि कोरोना की शहर ने एक बहुत बड़ा धक्का दिया हम लोगों को, ये किस तरीके से हमें ये चीज़ें देखनी है कि आगे कोविड की थर्ड लहर ना आए हमारे इंडिया में। और मैं एक यूपी के बहुत छोटे से शहर में रहती हूँ, चंदौसी, या कहीं पे भी मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो मैंने अभी यहाँ नोटिस करी। आप देख सकते हो कि जब निकलते हैं यहाँ से लोग तो प्रॉपर तरीके से, मैं वहाँ से अपनी कोच से निकली हूँ, उसके बाद आते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ। हर बंदे का यहाँ पे इनफैक्ट चाहे आपने कराया हो नहीं कराया हो डजंट मैटर, बट यहाँ पे हर बंदे का RT-PCR हो रहा है। अभी मेरा नाम श्वेता शुक्ला है, सर ने मेरा प्रॉपर एड्रेस नोट करवाया है, ये दिस इज़ माई नेम एंड दिस इज़ माई एड्रेस। सो प्रॉपर एड्रेस लेके मैम किसी को जाने ही नहीं दे रही है। गुड वर्क मैम, थैंक सीरियसली। तो यहाँ पे सबका मेरा भी RT-PCR हुआ है यहाँ पे, मेरे कुछ मैं उन्हें छूँगी नहीं, बट ये मेरा इधर RT-PCR यहाँ हर पर्सन का RT-PCR हो रहा है एंड विच इज़ वेरी गुड। रिजल्ट दिखते हैं यार, किसी को भी कोई भी रिजल्ट दिखेगा तो वो बोलेगा अगर अच्छी चीज़ हो रही है, चाहे वो किस तरीके का भी हो रहा हो। बट अगर इस तरीके का अगर होता है तो पब्लिक को भी लगता है कि गवर्नमेंट कितना सीरियसली ले रही है। एंड थैंक्स टू, मतलब जो इस तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं और अपने टाइम निकाल के हम लोगों की टेंशन ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ये चीज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपी में दिखी है, दिल्ली में अभी तक नहीं देखा मैंने ये कि स्टेशन पे रोक के प्रॉपर तरीके से RT-PCR करा रहे हैं। वहाँ पे तो और मारामारी हो रही है। कैसे कर रहे हो यहाँ पे, मतलब हम लोगों को जनवरी से हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। पब्लिक आता है आप प्रॉपर उनका लेते हैं, एंड देन रिपोर्ट जाती है क्या होती है इसके बाद? मैम एक्चुअली रिपोर्ट जाती है, इसके बाद हम सैम्पलिंग करके हम लोग इसको भेज देते हैं नोएडा या मेरठ, जहाँ पर भी उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आती है आप लोगों के मोबाइल पे। सर हम यहाँ पर सिर्फ RT-PCR टेस्ट लेते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज की, अगर कोई नेगेटिव ना है, कि जो अगर पॉजिटिव जो लोग आते हैं तो वो बाकी लोगों में स्प्रेड ना करें, विच इज़ वेरी गुड। मतलब आप एक इनिशिएटिव ले रहे हो और अच्छी बात है, ये चीज़ होनी चाहिए सारी सरकार, हर स्टेट में ये सरकार करनी चाहिए कि एटलीस्ट इसी तरीके से बढ़ा था कोविड। आई थिंक बिल्कुल छूट मिल गई थी उनके जब थर्ड सेकेंड लेट चल रही थी, हम लोग उस टाइम पर भी प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे थे। और सर हम लोग रोज यहाँ पर नियरली लमसम 100 टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, हमारे MIC सर सबका पूरा कॉपरेशन हर चीज़ को लेके मिला है। What's your good name ma'am? डॉक्टर आस्था सर, MDR ओके, और ये हमारे फार्मेसी हमारे पाल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।